A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 km with speed 720 km per hour passes directly overhead an anti-craft gun. What angle from the vertical should the gun be fired for the shell with muzzle speed 600 meter per second to hit the plane? At what minimum altitude should the pilot fly the plane to avoid being hit? Take small g is equal to 10 meter per second square. देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि एक ये फाइटर प्लेन है और ये एक एंटी क्राफ्ट गन है। जब ये इसके जस्ट ऊपर से पास होता है तो इस गन से एक शेल फायर किया गया, ठीक है, एक यहाँ से शेल फायर किया गया और वो शेल जाके क्या होगा, जैसे से शेल यहाँ पहुँचेगा, ठीक है भाई, आपको पता है जब शेल को फायर करोगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट ऐसे पहुँचेगा ऐसे, ठीक, और यहाँ ये प्लेन भी आगे बढ़ेगा। तो आपसे कह रहे हैं कि इस सेल की स्पीड क्या रखी जाए, इस सेल का एंगल क्या रखा जाए, कहाँ से, वर्टिकल लाइन से, यहाँ से, ठीक है, ये एंगल क्या रखा जाए जिससे कि ये सेल जाके फाइटर प्लेन में टकरा जाए, उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इस सेल को अगर फाइटर प्लेन से कोलिजन करवाना है तो एक बात तो क्लियर है कि जब फाइटर प्लेन भाई यहाँ पे पहुँचे उसी समय ये सेल भी यहाँ पे पहुँचे। अब फाइटर प्लेन की यहाँ पे हाइट तो बदल नहीं रही, तो अब बची कौन सी बात है, बची है हॉरिजेंटल डिस्टेंस, कि अगर फाइटर प्लेन यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस मान लीजिए हॉरिजेंटल में कवर करे तो जो सेल यहाँ से फायर की जा रही है वो भी एस डिस्टेंस ही कवर करे। देखो यहाँ तक पहुँची तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, एस, मतलब जब सेल और फाइटर प्लेन दोनों हॉरिजेंटल डिस्टेंस सेम कवर करेंगे उस सिचुएशन में ये सेल जाके फाइटर प्लेन को ख़त्म कर पाएगी। अगर सेल की हॉरिजेंटल डिस्टेंस कम कवर हुई और ये ज़्यादा कवर हुई तो इस हाइट पे ये यहाँ पहुँच जाएगा तो सेल यहीं नहीं पहुँचेगी। अगर ऐसा हुआ कि इसकी डिस्टेंस कम कवर हुई, इसकी ज़्यादा कवर हो गई तो इस सेल यहाँ पहुँच जाएगी, ये यहीं पड़ा रहेगा। और कोलिजन केवल तभी हो सकता है जब इस हाइट पे पहुँचने पर, यानी कि जो हाइट दिया है 1.5 किलोमीटर, तब ये सेल और ये फाइटर प्लेन दोनों सेम पॉइंट पे होने चाहिए, तभी तो कोलिजन होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे उतनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, मतलब दोनों की हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। बच्चों अगर सेल की स्पीड VS है तो ये हमको गिवन है 600 मीटर पर सेकेंड और प्लेन की स्पीड VP हमको गिवन है 720 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं प्लेन की स्पीड नॉर्मली अपनी कैलकुलेट करता हूँ तो इसको मैं मीटर पर सेकेंड में करने की कोशिश करूँ, 720 इंटू 5/80। जब 5/80 किया तो VP हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्लेन आ जाएगी, यहाँ से ये 4 times, यानी कि आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाई प्लेन इज इक्वल टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाई सेल, दोनों जब इक्वल डिस्टेंस हॉरिजेंटल कवर करेंगे इसका मतलब तब वो वहाँ पे कोलिजन कर पाएंगे। इसका मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाई प्लेन इज इक्वल टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाई सेल, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब सेल की हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मान लीजिए कि टी टाइम सेल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा तो प्लेन को भी पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, टी, क्यों, क्योंकि जैसे ही प्लेन सेल के ऊपर से गया वैसे फायर कर दिया गया, दोनों ऐसे सेम टाइम में तो पहुँचे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। अब सेल की अगर बात करो तो इसकी एक इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट जाएगा, क्या जाएगा, तो इधर का कंपोनेंट ये जाएगा आपका, ये जाएगा VS साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ये क्या जाएगा, ये जाएगा VS, ठीक है, चूंकि ये थीटा है ना तो VS cos थीटा। तो ऐसा भी हमने कई बार आपको समझाया कि ये मत याद किया करो आप लोग कि जो
मतलब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये हमेशा वी एस कॉस थीटा ही होगी, ये वी एस साइन थीटा देखो यहाँ पे होगी। ये डिपेंड करता है जो कंपोनेंट थीटा से जुड़ता है उसमें कॉस का कंपोनेंट जाता है और दूसरे में साइन का कंपोनेंट जाता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए वी एस साइन थीटा इधर हो गई, वी एस कॉस थीटा इधर हो गया। अब इसको हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा? वी एस साइन थीटा। और आपको पता है कि किसी बॉडी की जो प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, जैसे सेल मोशन करे, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वी एस साइन थीटा फिक्स रहेगा। तो अगर टी टाइम में यहाँ से वहाँ तक पहुँचा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। यही बात प्लेन के लिए हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगी प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो प्लेन की वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल ही टी इंटू टाइम टी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, वी पी कितना है देखिए 200, टी देखो टी से टी तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, हटाओ इसको। तो 200 इज इक्वल टू वी एस, वी एस की वैल्यू कितनी है देखिए, वी एस तो वी एस है हमारे पास 600 और इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 200 अपान 600 या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। कैसे? इनको कैंसिल करोगे तो 1/3 आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, एंगल को आप फाइंड करेंगे तो ये लगभग आता है 19.5 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जब ये 19.5 डिग्री पे होगा उस समय सेल जाके फाइटर प्लेन से टकरा जाएगा। अगली चीज़ क्या कही गई है? अगली चीज़ ये कही गई है कि जो पायलट है, ठीक है, वो कितनी हाइट पे फाइटर प्लेन को रखे कि वो इस कोलिजन को अवॉइड कर पाए। तो देखिए हाइट कोई भी हो, सेल के पास तो मजबूरी है, इसको इस एंगल पे फायर करना ही पड़ेगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1/3 होगी। क्यों फायर करना पड़ेगा? क्योंकि इस समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लेन की वेलोसिटी बराबर होगी, तभी कोलिजन हो सकता है। ये एंगल इनको बनाना ही पड़ेगा, किसको? एंटीक्राफ्ट गन को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिचुएशन में जहाँ तक ये सेल जाती है, अगर उससे ज़्यादा हाइट पे प्लेन को लेकर आएंगे तो क्या ये उसको कभी कोलिजन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। भाई अगर कोई प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है और हम इससे ऊपर कोई चीज़ रख दें तो क्या ये उसमें कोलिजन करेगा? कभी नहीं करेगा। तो यानी कि इस सिचुएशन पे जो मैक्सिमम हाइट है वो फाइंड कर देंगे और पायलट को उससे भी ज़्यादा ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ सेल इन दिस सिचुएशन, तो क्या होगा भाई मैक्सिमम हाइट? ये h बराबर हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बट ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता था वहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो लिया जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए वी एस कॉस थीटा, वी एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2g। क्यों? समझ में आ रहा है? यहाँ पे एंगल कहाँ दिया है? ऊपर से, यानी कि 90 माइनस थीटा हो गया, तो जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ साइन रिप्लेस कर दीजिए। अब ये क्या बन जाएगा देखो इसके लिए, तो h बराबर हो जाएगा वी एस, तो वी एस कितना है देखिए, वेलोसिटी ऑफ सेल ये है 600 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा जब 1/3 है तो कॉस थीटा कितना आएगा, यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 1/9, यानी कि 8/9। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 8/9 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 8/9/2 जी, जी की वैल्यू कितना गिवन है हमको, 10 गिवन है। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, आएगा 360,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई
20 × 9, ठीक है। ये जीरो इससे कैंसिल हुआ, इससे फोर टाइम्स, इससे इसको कट करेंगे तो ये 4000 आएगा, यानी कि h की वैल्यू आ गई 16000 मीटर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 16 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।